एनडीआरएफ ने आपदा पर आधारित राम घाट पर राज जागरूकता अभियान चलाया, जिसके संबंध में एनडीआरएफ इंस्पेक्टर गोपी गुप्ता ने बताया कि आपदा के छात्रों को एनडीआरएफ की टीम ने राम घाट के बाढ़ जैसी आपदा से बचाव के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी। इस दौरान जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा मित्र, आपदा सखी, स्वयंसेवक, गोरखपुर विश्वविद्यालय के आपदा प्रबंधन के डिप्लोमा के छात्र एवं छात्राएं सभी को बाढ़ के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों व किए जाने वाले उपायों की जानकारी देने के साथ ही उसका अभ्यास भी एनडीआरएफ की टीम द्वारा दिखाया गया। उन्होंने बताया कि टीम ने बाढ़ जैसी आपदाओं से बचाव के लिए आपदा से पूर्व, दौरान व बाद में अपनाई जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी देने के साथ बाढ़ के दौरान जीवन सुरक्षा हेतु स्थानीय संसाधनों से निर्मित घरेलू सामान के द्वारा स्ट्रेचर बनाने का तरीका व डूबे हुए व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने का तरीका सिखाया, रक्षक जैकेट को पहनने का तरीका तथा दूषित जल को घर पर फिल्टर करने का तरीका, सांप काटने पर दिए जाने वाले प्राथमिक उपचार तथा भूकंप भूस्खलन जैसी आपदाओं से घायल व्यक्तियों को अस्पताल से पूर्व चिकित्सा CPR का प्रशिक्षण के बारे में बताया गया। इस अवसर पर अंकित राणा प्रताप सिंह, रक्षा अध्ययन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह, अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एनडीआरएफ इंस्पेक्टर गोपी गुप्ता ने कहा, ये देखिए हमारे दिल्ली हेडक्वार्टर द्वारा एक मैसेज सर्कुलेट हुआ था, जो फ्लड प्रोन एरिया है वहाँ पे बाढ़ के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूबते हुए लोगों को कैसे बचाना है, अगर कोई व्यक्ति पानी पी लिया है तो उसका पानी कैसे निकालना है, इस चीज़ से संबंधित एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना था, जिसमें आज यहाँ रामघाट पे प्रोग्राम रखा गया। इसमें यूनिवर्सिटी के जो हमारे वहाँ पे जो डिप्लोमा कोर्स चलता है, तो डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, इनके जो स्टूडेंट हैं वो इसमें शामिल हुए हैं, आपदा मित्र जो हैं वो शामिल हुए हैं, और हमारे ट्रेनिंग जो प्रशिक्षक मास्टर ट्रेनर हैं उनके द्वारा यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि ये फील्ड में कभी भी जाएं काम करें तो इतने अच्छे तरीके से काम करें कि कम से कम नुकसान और स्नेक बाइट। देखिए ये तराई बेल्ट है और बाढ़ के समय में मैक्सिमम ऐसी घटनाएं घटित होती हैं और ये आपदा के अंतर्गत ही आता है, तो स्नेक बाइट की घटना कभी भी होती है तो इसमें यही चीज़ बताया जाता है कि सावधानी क्या बरतनी है, कि जिस जगह पे सांप काटा हो उस जगह पे चीरा न लगाएं और उस जगह को साबुन पानी धो दें, जिस व्यक्ति को सांप काटा हुआ है उसको चलने फिरने न दें, कुछ खाने पीने की सामान न दें और उसको साहस बढ़ाएं कि आपको कुछ नहीं होगा और ये जहरीला सांप नहीं था, और जल्द से जल्द उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाएं जहाँ पे उसको मास्टर वैक्सीन जो होती है उसको दिया जा सके।